गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 20 दिसंबर, फिन निफ्टी एक्सपायरी डे है। फिन निफ्टी में कल जो क्लोजिंग दिया था वो था 19,291। आज गैप डाउन ओपन दिया, गैप डाउन ओपनिंग जो था आपका 19,194, उसके बाद ऊपर जाने का प्रयास किया था। ये 5 मिनट का आप कैंडल देखोगे, एक तीन बार बनाया डोजी कैंडल, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाने का प्रयास किया लेकिन इमीडिएटली नीचे आ गया। अभी आज फर्दर एनालिसिस जाने से पहले मैं एक ऑप्शन चेन एनालिसिस देख लेता हूँ। फिर निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस पे अभी जो हो रहा है आपका 19,150 में आपका पुट राइटर्स 26 लाख से एंड कॉल राइटर्स 20 लाख का है। उससे ऊपर आपका 55 लाख 19,200 में और नीचे आपका 19,100 में 42 लाख का पुट राइटर्स। सो दैट बीइंग द केस, लग रहा है आपका एज ऑफ नाउ 200 एंड 250 सीम्स टू बी ए गुड रेजिस्टेंस एंड नीचे की तरफ 119,100 एंड 19,050 as the support। अभी मैं एक गलती कर लिया, मिस्टेक्स क्या किया, एक तो मेरा कल का एक 19,200 का पुट शॉर्ट था, इसीलिए शॉर्ट था क्योंकि क्लोजिंग बहुत हायर दिया था, 291 पे दिया था, तो मैं 19,200 के पुट को शॉर्ट ओपन रख दिया था। आज ओपनिंग से ही लॉस दिखा रहा है, बहुत बड़ा लॉस। उसके ऊपर प्राइस जैसे ही यहाँ पे ऊपर जाने का 200 के ऊपर जाने का प्रयास किया था, मैं फिर दोबारा 400 क्वांटिटी आपका 200 को शॉर्ट किया यहाँ पे, उसमें भी मेरा अच्छा खासा लॉसेस आ रहा है। यहाँ पे 15,000 लॉसेस है एंड यहाँ पे 21,000 लॉसेस है, दैट मीन द केस ऑलमोस्ट 35,000 लॉसेस है, बिकॉज मेरा जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन के अगेंस्ट में प्राइस गया है। तो फर्दर मैं अभी प्राइस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, फिर दोबारा मैं इसका वीडियो लेके आऊंगा कि अल्टीमेटली मेरा लॉसेस कितना है या नहीं है। मार्केट फर्दर डाउन जा रहा है 19,115, सो एज ऑफ नाउ मैंने 200 का जो पुट राइट किया था उसको मैंने लॉस बुक कर लिया है। एज ऑफ नाउ यहाँ पे मेरा जो डेज एमटीएम है यहाँ पे 28,000 है, लेकिन कल का पोजीशन ओपन था बिकॉज ऑफ विच नेट लॉस 28,000 यहाँ पे। फिर मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे लॉस किया, पोजीशन इनिशिएट किया था जिसमें 20,000 का लॉसेस है, सो ऑल पुट टुगेदर अभी मेरे पास 45,000 का लॉसेस है। फिर फर्दर क्या, मैं अभी मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे कुछ चेंजेस आएगा आई विल गेट बैक। आज का ये एक बड़ा लेसन है, सो आई वॉन्ट टू कैप्चर इट फॉर माई नॉलेज एज वेल एज आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए। इतने दिन में हमेशा प्रॉफिट 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 ही दिखा रहा था, तो आज का ये लॉसेस जो है अच्छा खासा, 45,000 बोले तो मेरा 2 दिन का लॉसेस ये है, दैट इज नॉट गुड, क्योंकि क्वांटिटी भी मैंने ज्यादा ले लिया था स्टार्टिंग में। जनरली मैं स्टार्टिंग में 200 क्वांटिटी लेता हूँ, लेकिन आज मैंने 400, 800 क्वांटिटी ले लिया था आउट ऑफ मींस एक्सट्रीम बुलिशनेस, लेकिन बिकॉज ऑफ विच मेरा एक आई गॉट पेनालाइज्ड आल्सो। नाउ आई एम वाचिंग द मार्केट, सब्सिक्वेंटली आई विल गेट बैक इसके बारे में। फिन निफ्टी जो लो मारा है आपका 19,109.95, जैसे ही 5 मिनट में यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनाया, साथ ही साथ मैंने पोजीशन इनिशिएट किया यहाँ पे देखिए आपका, फिर मैंने बेचा, टाइम है 10:04, उससे पहले 10:46 पे मैंने स्क्वायर किया था 886.53, फिर 78.38 में मैंने उसको रीस्टेट किया एंड मेरा जो पीएनएल है थोड़ा सुधार हो रहा है, जो 25,000 के ऊपर गया था अभी 21,000 में है। यहाँ पर भी मेरा ये 4-5,000 का रिकवरीज हो रहा है सिमिलर वे पे मैंने, अभी मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन से इंतजार कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं आऊंगा।
निफ्टी और भी नीचे आ रहा है, अभी है 19,083, ये लो मारा है 19,068। आफ्टर ओपनिंग एट 19,194, सेकेंड कैंडल वाज अ बुल कैंडल, देयर आफ्टर नॉन स्टॉप ये नीचे ही नीचे आ रहा है। अभी हम ओपन इंटरेस्ट में एक बार देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट का जो चार्ट है उसमें करेंटली एट द मनी है 19,100, उसके ऊपर 19,150, कॉल राइटर्स 57 लैक्स है, एंड 19,200 में 81.5 लैक्स कॉल राइटर्स। नीचे आपका 19,050 में 30 लैक्स आपका पुट राइटर्स है, एंड 19,000 पे आपका है 57,82,000 आपका पुट राइटर्स। दैट मीन द केस अभी 19,000 से 19,050 इज कंसिडर्ड टू बी ए सपोर्ट लेवल, एंड 19,150 से 19,200 इज कंसिडर्ड टू बी ए पुट राइटर्स। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये नॉन स्टॉप नीचे आ रहा है। अभी देखते हैं हमारा पोजीशंस क्या है। ये पोजीशंस अभी काफी रिकवर हो चुका है। यहाँ पे आपका 15,700 का लॉस है और यहाँ पे 11,000, यानी करीबन 26-27 हज़ार का लॉस है जो 45,000 लॉस में था। तो ऐसा मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आपका पुट राइटिंग को कैंसिल करके स्क्वायर करके मैं कॉल को राइट किया 19,200 एंड 19,150, इसीलिए मेरा पोजीशन थोड़ा बेटर हो रहा है। नेक्स्ट फिर आएंगे, अभी आपका टाइम हुआ है 1:50, 51। फिर निफ्टी अभी है 19,132 में, ये आफ्टर ट्रेडिंग ए लो ऑफ 19,083.75, ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। तो ये लेफ्ट साइड वाला आपका 15 मिनट का चार्ट है, राइट साइड वाला आपका 5 मिनट का चार्ट है। और अगर हम ओपन इंटरेस्ट का, फिर निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे 200 में 1.08 ओपन इंटरेस्ट है, एंड 19,100 में 86,000 पुट राइटर्स। दैट बीइंग द केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये फिर निफ्टी का जो एक्सपायरी है 19,100 एंड 19,200 के बीच में ही क्लोज देना चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्टिल माय लॉस इज 19,000। अभी मेरा क्या पोजीशंस चल रहा है, अभी मेरा पोजीशंस चल रहा है 19,100 पुट को मैंने शॉर्ट किया है एट 12:45 टाइम, 12:33 में मैंने शॉर्ट किया है एट जो इसका प्रीमियम था 12.45। करेंटली इसका प्राइस जो है 12.80 पे है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस में है। अभी मैंने उससे पहले मेरा 19,200 का पुट कॉल शॉर्ट था जो मैंने जस्ट 10 मिनट पहले, 7 मिनट पहले, अभी है 1:52, 7 मिनट पहले मैंने उसको क्लोज कर दिया है। तो इसका मेन रीजन क्या है, देयर आर सम पॉसिबिलिटीज निफ्टी में बाउंस बैक, थोड़ा सा एक पॉसिबिलिटीज लग रहा है आपका 18,300 के ऊपर एक जूम अप होने का प्रयास कर सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी में 43,170 के ऊपर एक जूम करके ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है। इसका रीजन क्या है, 5 मिनट में आप देखो एक रेंज शिफ्ट कर रहा है, 15 मिनट में भी एक रेंज शिफ्ट कर रहा है, यहाँ पे आप देखोगे 131 में यहाँ पर भी एक रेंज शिफ्ट करने का कोशिश कर रहा है, जब एक तक इस बॉटम आउट हो रहा है। सो दिस इज द रीजन कि मैंने आपका कॉल राइटिंग को स्क्वायर कर दिया, पुट राइटिंग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा एज ऑफ नाउ इसमें 19,000 का लॉसेस है और यहाँ पे मेरा करीबन 13,000, सो ऑल टोटल 32-33,000 का लॉसेस है। तो बाय द एंड ऑफ द डे हम कोशिश करेंगे कि कितना लॉस मिनिमाइज किया जाए। आज का बड़ा मिस्टेक है, बड़ा मिस्टेक यही है कि मैंने बड़ा क्वांटिटी में आपका 20-20 लॉस में, 20-20-40 लॉस में मैंने पोजीशंस बिल्डअप किया था 19,200, जिसमें एक जगह पे मेरे को 22,450 का लॉस हुआ है, दूसरे में आपका
मैं 2200 पुट में दूसरे में मेरा जो लॉस हुआ है 16,000, जो लॉस मैंने ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ 16,700 लॉस, यहाँ पे 16,700 और यहाँ पे आपका 22,000, 16,38, करीबन 30,000 मेरा लॉस हुआ है 19,200 में। उसका दो मेन रीजन है, एक मेन रीजन फ्रॉम एट द स्टार्ट ऑफ द डे मैंने 800 800 1600, सो विच इज इक्विवेलेंट टू 40 लॉस आपका 19,200 पी को शॉर्ट कर लिया था, जो मेरे को इतना ज्यादा स्टार्टिंग में करना नहीं चाहिए था। एंड दूसरा वाला है कि आपका ये इतना वॉलेटाइल मूवमेंट में मेरा, मैं यहाँ पे कहाँ पे था, ये मॉर्निंग में इस लेवल पे मैंने पुट को शॉर्ट किया था, उसके बाद अच्छा खासा नीचे आया है मार्केट। इसके लिए मेरा दो रीजन के लिए, एक तो मेरा व्यू मॉर्निंग में गलत गया था, दूसरा वाला मैंने पोजीशन पड़ती थी ज्यादा ले लिया, इसीलिए मेरा पेनल्टी हो चुका है। नेक्स्ट अपडेट के लिए मैं आता हूँ। एक्सपेक्टेड लेंस अभी ये ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए रीजन की मैंने देखी थी कि वो जो लाइन किया था उसको छुपाया है। ये हमारा पोजिशन देख लेते हैं, ये 11,000 प्लस में आ चुका है, जो पहले था उसको उसके बाद मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं हूँ पोजिशन में हो रहा हूँ, इसलिए मैंने मैंने टूट को मैंने स्क्वायर कर दिया, जो मैंने लाइक किया था उसको स्क्वायर कर दिया। उसके बाद मैंने आया 2:59 आपका जो है
अगर आपका अभी 2020 बाकी है यहाँ पे, कैन ये चला गया है एंड जस्ट अभी फायर फाइटिंग चल रहा है सुबह से, लेट्स सी एट द एंड क्या रिजल्ट आता है। सेकेंडली लास्ट मोमेंट में ये स्पाइक किया, अब ये 20,230 का लेवल शूट अप हुआ है, बिकॉज ऑफ व्हिच ये लास्ट मोमेंट पे शूट अप किया, मेरा जो 19,150 था उसमें तो पूरा जूस नहीं गया, लेकिन आप देखिए यहाँ पे 20,000 का यहाँ पे लॉस हो गया, यहाँ पे मेरा बना है, सो अगेन बैक टू 32,000 जो मेरा टोटल आ गया था 15,000 का इसका प्लस एंड मैंने अभी पूरा का पूरा क्लोज कर दिया है। यहाँ पे ये जो आपका जो आज का जो एक्सपीरियंस है एंड इट इज एज पर माई कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने 1% पर क्विक एक 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 करके 1% पर क्विक 1% पर थर्सडे 1% पर सो 3% पर सो 2% पर मंथ इसका मैं हाफ 6% पकड़ रहा था, तो उस जो 6% में डिडक्ट कर रहा था वही 2% लॉसेस हो गया था, लॉसेस और लॉसेस हो गया था मेरा। एक लेसन है कि मैंने स्टार्टिंग में ही 40 लाख का पोजीशन बिल्ड कर दिया, अभी मुझे करना नहीं चाहिए क्योंकि लॉस ऑफ द एंड जिसके लिए मेरे को बैकफायर हुआ एंड उसके बाद स्टार्टिंग से ही अपना जो पोजीशन दिखाया लॉस ऑफ द 6,000 का जो एंट्री
एंड जो विशेष मैंने आज किया उसको मैं आने वाले दिनों में नहीं करने वाला हूँ, एंड चल रहा है जो करीब